दिल्ली के शतरंज में अब शह और मात देने का खेल शुरू हो गया। बीजेपी पूरी दिल्ली में आज सड़कों पर उतरी हुई थी और उनकी मांग सिर्फ एक थी, केजरीवाल का इस्तीफा। सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी को हर दिन झटके पर झटके लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी की सदस्यता को भी छोड़ दिया है। राजकुमार आनंद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हट चुकी है। इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से फाइनल फाइट यानी निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने दिल्ली की कई अहम जगहों पर सड़कों पर उतरकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखने के लिए पूरी जान लड़ा दी। लगातार नारेबाजी हो रही है, महिलाओं समेत कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो बनी हुई है, बैरिकेड एक तोड़कर दूसरे बैरिकेड के ऊपर अब चढ़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर ये वाटर कैनन चलाया जा रहा है और उसके बावजूद जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड पर मौजूद नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, ये देखिए वीरेन सचदेवा गिरते गिरते बचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाल लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे है और तब तक सड़कों के ऊपर लोगों के बीच में रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर।